कोर्ट और सरकारी कार्यालयों के खुलते ही शहर के कुबेर भवन पर शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। विश्व भर में पिछले डेढ़ साल से चल रही कोरोना महामारी की वजह से अब तक राज्य सरकार की ओर से सारे अवसरों को मनाने की मनाई कर दी गई थी। हालांकि अब सरकार की ओर से कोरोना के कम होते आंकड़ों को देखकर कुछ लोगों की उपस्थिति में इन अवसरों को मनाने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके मुताबिक अब शहर के कोर्ट और सारे सरकारी कार्यालयों को भी सरकार की ओर से 100% कर्मियों के साथ खोल दिया गया है। ऐसे में आज शहर के कुबेर भवन पर शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए कई जोड़े और उनके परिवारजन देखने मिले। हालांकि इन लोगों की ओर से कोरोना से जुड़ी हर गाइडलाइंस का अच्छी तरह से पालन किया गया और इसके साथ ही शादी का रजिस्ट्रेशन करवाकर इन लोगों ने कोर्ट खोलने के फैसले पर राज्य के सीएम विजय रूपाणी का धन्यवाद भी अदा किया। अहीं घड़ी अमे मारा पुत्र नु लग्न करवा माटे अमे आया छे। लगभग छेला दोढ़ वर्ष थी कोरोना नी महामारी चाली रही छे अने आवा कपरा संजोग नी अंदर लग्न करवू अने बधा व्यक्तिओ ने भेगा करवा ए थोड़ू के શું કહેવાય આપણે કે મહામારીને એ કરવા જેવું છે, એટલા માટે હું મારા પુત્રને લઈને આવ્યો છું અને અહીંયા સરકારની ગાઈડલાઇન મુજબ આજે જે કોર્ટને ખોલી મૂકવામાં આવી છે અને અમે એનું સંપૂર્ણ પાલન કરીને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખી અને હું મારા પુત્રનું લગ્ન કરાવવા આવ્યો છું અને જેમ બને એમ ઓછા વ્યક્તિ સાથે હું મારા પુત્રનું લગ્ન થાય એવી મારી શુભકામના છે। જી તો ઘણી બધી છે, એવું હોય કે આ કોરોના ના હોત તો કદાચ બહુ મોટી રીતે હું કરી શક્યો હોત, પણ જે પણ હોય સરકારનો ધન્યવાદ માનું છું કે ચલો કોર્ટ ચાલુ કરી તો એનાથી મારા પુત્રનું આ જે મેરેજ થાય છે મને બહુ ઘણી ખુશી થઈ છે અને હું રૂપાણી સાહેબનો ખાસ આભારી છું। અબ ખબરો સે લગાતાર અપડેટ રહેના હુઆ આસાન। બીઆરજી ન્યૂઝ આપકે મોબાઈલ સ્ક્રીન પર। आज ही BRG News की मोबाइल ऐप Google Play Store और App Store से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।